ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। 80% चीजें नई हूं, 20 कॉलेजें खोलने वाले थे, हो सकता है कल परसों एक एडवर्टाइज आ जाए कि बधाई हो एक कॉलेज खुल जाएगा, 500 स्कूलें खोलने वाले थे, मुख्यमंत्री की कोई सुविधा नहीं लेंगे, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, और जवाब भी नहीं देते हैं कि भैया आपने तो दिल्ली की जनता को कहा था हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, मगर आपने बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, दूसरे दिन ही मुकर गए। दिल्ली के विकास के लिए 15 लाख, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना थे, आज भी दिल्ली की जनता ढूंढ रही है कि कहां है वो कैमरा। सब जगह पे वाईफाई फ्री करने वाले थे, युवा मोबाइल पर वाईफाई ढूंढते ढूंढते मोबाइल की बैटरी उतर जाती है, वाईफाई नहीं मिलती है, पानी का बिल माफ कर देंगे, कम तो किया माफ नहीं किया, मगर जहर जैसा पानी दिल्ली को पीने वालों के लिए दिया है, जहर जैसा। दिल्ली के पानी की क्वालिटी केजरीवाल जी आपकी प्रशासन क्षमता को दिखा दी। ये जल निगम जो है जिनके अध्यक्ष स्वयं केजरीवाल जी हैं, 150 करोड़ के मुनाफे में चलता था, 800 करोड़ के घाटे में डालने का काम है केजरीवाल जी ने करा, हम भी आएंगे तो उसको रिपेयर करते करते एक समय जाएगा। हर प्रकार के वादों के जवाब में झूठ और एडवर्टाइज, इसके सिवाय कुछ। हमारे सांसद कहते हैं कि दिल्ली में 5 साल की सरकार की जगह 5 महीने की सरकार चल रही, मुझे पहले समझ में नहीं आया, मैंने पूछा भैया ये 5 महीने की सरकार क्या होता है, तो उन्होंने कहा केजरीवाल की सरकार, आप पार्टी की सरकार 5 साल चली, कुछ नहीं किया, 5 महीने में सारे एडवर्टाइज देकर विकास के लिए लोगों की आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया। मगर आप पार्टी वालों, में आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली की जनता को क्या समझते हो? दिल्ली की जनता को इस प्रकार से आप गुमराह कर पाओगे क्या? हमारे तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 10,000 करोड़ रुपया देना था, नहीं दिया, जिससे वो विफल हो जाए। मगर केजरीवाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आपने पैसा नहीं दिया तो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना काम अच्छे तरीके से कर दिल्ली को गंदा होने से बचा है। उन्होंने वादा किया था कि हम अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए प्रयास करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 5 साल काम करता रहा, प्रयास करता रहा, नहीं चुनाव नजदीक आने दो, चुनाव नजदीक आने दो, चुनाव नजदीक आने दो, हमें लगा ये तो करेंगे ही नहीं, उनको साइड पर रखकर मोदी जी और हरदीप पुरी ने 1700 कॉलोनी के 40 लाख लोगों को माली